दिग्विजय सिंह जी ट्वीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये पूरी तरह से असत्य ट्वीट है। आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, क्षेत्र में वहां जाए, इलाके में कोई रिपोर्ट हुई है क्या? चल मान लो उस दिन खाली हो गया तो। दूसरा, ये भ्रम फैला के तनाव पैदा करना, ये इनका शगल है। ऐसे ही तो सीए पे भ्रम फैलाया था कि तीन पीढ़ियों के कागज मांगे जाएंगे और नहीं दिखाए तो पाकिस्तान भगा दिए जाएंगे। उस समय के ट्वीट देख लो आप दिग्विजय सिंह जी की, और अभी का देख लो, कमोबेश एक जैसे ही मिलेंगे। अखिलेश यादव जी ने भाजपा की वैक्सीन बताया उसे, ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो सन 2017 में लगी थी और उसका असर 5 साल रहता है। अब 2022 में फिर लगेगी, उसका भी असर 5 साल ही रहेगा। कृपा करके इनको इस टीके की जरूरत नहीं है, ये टीका नहीं चाहिए, ये टिप्पणी वाले लोग हैं। कम से कम इसमें तो राजनीति नहीं करें। कांग्रेस के लोग वो हर उस अच्छी चीज पर सवाल खड़े करते हैं जो राष्ट्र हित में होती है। सेना ने घुस के पाकिस्तान पे हमला किया तो उन्होंने सेना पे ही सवाल खड़े कर दिए, चुनाव हारे तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए। अब विश्व के अंदर भाजपा की कोरोना के बारे में धाक जमी तो वैक्सीन पे सवाल खड़े कर दिए। ये सवाली और बवाली लोग हैं। बवाल काटना मूल बात है, कोई भी अच्छा काम हो, और उसी की एक दिन किसान आंदोलन है जिसपे